कि आप दो स्पिनर से उतरें या फिर आप एक स्पिनर से उतरें, एक से उतरें तो अश्विन होना चाहिए या जाडेजा। मेरे विचार में अगर आप एक खिलाएंगे तो जाडेजा को ही खिलाना चाहिए, रविचंद्रन अश्विन को मैं नहीं खिलाऊंगा। अगर अश्विन फिट है, तैयार है, सिडनी का मैदान है जहां पे स्पिन के लिए मदद है, तो मैं अश्विन को डालूंगा रोहित की जगह। इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका भारतीय टीम और विराट कोहली के पास। 2019 में सबसे पहला टेस्ट विराट कोहली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 3 जनवरी से खेला जाएगा और इस श्रृंखला में 2-1 से आगे। दीपदास गुप्ता, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे एक छोटी सी क्विज से जो सिडनी के बारे में आपकी जानकारी हमें ज्यादा बताएगा। तैयार है आप इस क्विज के लिए? तैयार तो नहीं है लेकिन कोई नहीं, तैयार हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको चार ऑप्शन भी दूंगा। सबसे पहला सवाल, पिछले 20 सालों में कितनी टीमों ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में किसी टेस्ट में हराया है? 0, 2, 1 या 3? दो नहीं, केवल इंग्लैंड ने हराया है, तो सही जवाब है 1। चलिए अगला सवाल, इनमें किन दो खिलाड़ियों ने सिडनी में 3-3 टेस्ट शतक जड़े हैं? तेंदुलकर और लक्ष्मण, गावस्कर और तेंदुलकर, अमरनाथ और लक्ष्मण, या लक्ष्मण और द्रविड़? तेंदुलकर और लक्ष्मण। बिल्कुल सही जवाब। चलिए 1-1 से बराबरी हो गई आपकी। तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के किस गेंदबाज में सिडनी में एक टेस्ट में 12 विकेट लिए हैं? प्रसन्ना, चंद्रशेखर, अनिल कुंबले या कपिल देव? चंद्रशेखर। नहीं, सही जवाब अनिल कुंबले है। आप चूक गए, हल्के से चूक गए इसमें। मुझे पता है आपको अभी यहाँ वही फीलिंग होगी। चौथे सवाल की तरफ जाते हैं। तेंदुलकर के अलावा किस इंडियन प्लेयर ने सिडनी में टेस्ट दोहरा शतक जड़ा है? द्रविड़, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर या संदीप पाटिल? रवि शास्त्री। ये तो आपको याद रहेगा, ये शास्त्री खुद याद दिलाते रहते हैं सबको। बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी सवाल, इनमें से कौन से दो भारतीय खिलाड़ियों ने सिडनी के एक टेस्ट की दोनों पारियों में शून्य बनाए हैं? गांगुली और गावस्कर, रायना और आगरकर, गांगुली और अश्विन, या ईशांत शर्मा और विराट कोहली? रायना और आगरकर। चलिए ये तो सही जवाब ही होगा, उसका कारण मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अजीत आगरकर हमारे बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट है इस शो पे। नहीं, वो हिंदी के शो देखेंगे, दिखाऊंगा ही नहीं मैं उन्हें ये शो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस टेस्ट मैच के बारे में बहुत मजा आया दीप, और आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अगर टेस्ट मैच की बात करें तो घोषणा हुई थी 13 सदस्यीय की दल की विराट कोहली के द्वारा इस टेस्ट मैच के लिए, लेकिन कुछ सवाल है इसमें क्योंकि आर अश्विन की फिटनेस पर कुछ सवाल है। और भारतीय टीम ने कहा, पहले कहा कि भाई वो फिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक मौका देंगे कि टेस्ट मैच की सुबह क्या वो फिटनेस टेस्ट क्लियर कर पाए। केएल राहुल की वापसी हो चुकी है दीप इस टीम में, रोहित शर्मा अपनी पहले संतान के जन्म के लिए वापस मुंबई जा चुके हैं, तो क्या केएल राहुल की वापसी होगी आपके लिए? और उसके अलावा ईशांत शर्मा, कारण तो नहीं बताया कि क्यों उन्हें इस स्क्वाड में नहीं लगाया है, लेकिन उमेश यादव की वापसी भी हुई है और कुलदीप यादव भी इस स्क्वाड में तीसरे स्पिनर के दम पर है, तो आप किस 11 को चुनेंगे? देखिए, जब मैं स्क्वाड को पहले देखता हूं तो सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में आता है कि थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं या थोड़े से दबाव में हैं फिटनेस इश्यूज को लेके। रोहित वापस चले गए हैं, ईशान पिछले टेस्ट मैच में भी थोड़े से मुझे देख के लगे कि थोड़े से थके हुए लग रहे थे, तो काफी कुछ मिला के। अश्विन का वो मसला रहा है अगर आप देखें तो फिटनेस को लेके, तो थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, दबाव में लग रहे हैं कि कौन फिट होंगे 11, क्योंकि ये बहुत ही अहम टेस्ट मैच है, ऐतिहासिक टेस्ट मैच है और ये श्रृंखला इतिहास रच सकता है। उस नजरिए से देखें तो मेरा जो प्लेइंग 11 होगा, मैं ऊपरी क्रम के बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करना चाहूंगा। अगर अश्विन फिट हैं, तैयार हैं, सिडनी का मैदान है जहां पे स्पिन के लिए मदद है, तो मैं अश्विन को डालूंगा रोहित की जगह और ईशांत की जगह उमेश को, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रिवर्स भी होगा, क्योंकि अगर स्पिनर्स को मदद है किसी भी सतह से तो वहां पे रिवर्स भी होगी गेंद, और रिवर्स होती है तो फिर उमेश का कद भी दुगना हो जाता है। अगर अश्विन फिट ना हो, क्या आप कुलदीप यादव को खिलाएंगे दूसरे स्पिनर के दम पर, क्या फिर अगर अश्विन ना हो तो फिर आपका टीम बैलेंस थोड़ा बदल जाएगा? देखिए, अगर अश्विन फिट ना हो तो थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि फिर थोड़ा बल्लेबाजी थोड़ा सा जो है हल्का सा दिखता है, उस कारण मैं फिर शायद मैं ऊपर केएल राहुल को ऊपरी क्रम में या ओपन कराऊंगा,
हालांकि मुझे तो खैर मुरली विजय ज्यादा ठीक लगे थे जब आखिरी जो दो दूसरा टेस्ट मैच जब दोनों ने खेला था, लेकिन 13 में तो है नहीं, तो 13 में केएल राहुल है, तो उस लिहाज से शायद मैं केएल राहुल को देखूंगा ओपन करते हुए और हनुमा विहारी को 6 नंबर पर। तो बस अब केएल राहुल के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, इस सीरीज में का अच्छा प्रदर्शन तो रहा नहीं है इसलिए टीम से ड्रॉप हुए थे। वापसी का क्या कारण हो सकता है कि उन्हें चुना गया है और मुरली विजय को नहीं? लेकिन दीप देखिए मेरे जहन में तो कुछ खास आ नहीं रहा है, इतना ही कह सकता हूं कि शायद क्योंकि जिस तरीके से पुजारा खेलते हैं, जिस तरीके से मुरली विजय खेलते हैं और बाकी जो हैं, तो थोड़े से हो सकता है कि अटैकिंग कोई ओपनर चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल भी है, वो तो अटैकिंग है। शायद ये भी कारण है क्योंकि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में खेलते हैं कर्नाटका के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि मयंक अग्रवाल जिस लय में दिखे हैं तो उसका फर्क पड़े केएल राहुल के ऊपर, और जैसे मैंने कहा दोनों बहुत सालों से साथ में खेल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो केएल राहुल पे मयंक अग्रवाल का। ये अच्छी दोस्ती का वैल्यू तो हम कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते भारतीय सिलेक्शन के टाइम पे। पर लेकिन इससे पहले कि हम बात करें कि कौन से स्पिनर और कितने स्पिनर खेलने चाहिए भारत को, एक नज़र डालेंगे सिडनी के इस पिच पर, जहाँ पे आकाश चोपड़ा तो है ही हमारे दिग्गज एक्सपर्ट, देखते हैं उनकी क्या राय है इस टेस्ट मैच के पिच पर। 2-1 के मुकाम पे खड़ी है ये श्रृंखला सिडनी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग टू प्ले फॉर, एवरीथिंग टू विन फॉर। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि आप ट्रॉफी के लिए नहीं, आप सीरीज विक्ट्री के लिए खेल रहे हैं। वेल दैट्स वेयर इंडिया स्टैंड्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस पिच से हम क्या कर सकते हैं उम्मीद? इसमें थोड़ी सी घास है, इस पे लगता है कि सीमर्स को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन इतिहास ये बताता है कि ये पिच बाद में स्पिनर्स के लिए मददगार हो जाती है। तो फिर चाहे आप पिच की घास कितनी भी देखें, वो हरियाली कितनी भी हो, टॉस जीते तो आप बैटिंग करें, इट्स अ नो ब्रेनर। तो पहले आप बैटिंग करें, आप स्पिन से आप ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपको मदद मिलेगी। जो बड़ा सवाल जो इंडिया को जिसका जवाब देना है वो ये है कि कॉम्बिनेशन क्या रखें, क्योंकि अब रोहित शर्मा नहीं है, तो क्या आप एक गेंदबाज को लेकर आते हैं या फिर आप बल्लेबाजी में एक और खिलाड़ी को जोड़ते हैं और अच्छे बैट्समैन और ऋषभ पंत के साथ खेलते हैं? ये एक बड़ा सवाल रहेगा भारत के सामने। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप एक और बॉलर खिला लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके फास्ट बॉलर जो हैं थोड़े से टायर्ड हो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ड्रॉ इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इनाफ, तो फिर आप 4 गेंदबाज और 6 बल्लेबाजों के साथ उतर सकते हैं। दूसरा सवाल रहेगा 2 स्पिनर्स, क्या आप 2 स्पिनर से उतरें या फिर आप 1 स्पिनर से उतरें? और 1 से उतरें तो अश्विन होना चाहिए या जाडेजा? मेरे विचार में अगर आप 1 खिलाएंगे तो जाडेजा को ही खिलाना चाहिए, रविचंद्रन अश्विन को मैं नहीं खिलाऊंगा। अश्विन तब खेलेंगे अगर 2 स्पिनर्स के साथ भारत उतरता है। तो एक बार फिर टॉस, पिछले 18 विराट कोहली की टॉसेज ने बताया, जो 18 वो जीते हैं, कि मुकाबला एक भी भारत हारा नहीं है। तो फिर उसी सोच के साथ अगर आपने टॉस जीत लिया तो आधा मुकाबला आप तो वैसे जीत गए, टॉस जीत के मेरे हिसाब से बैटिंग करना ज़रूरी। ऑस्ट्रेलिया में शायद एक आधा बदलाव होगा, मानस खेलेंगे, लेकिन मेरे विचार में वो कैसा भी कॉम्बिनेशन बना लें, इंडिया इज़ डेफिनेटली अ बेटर साइड। चलिए काफ़ी दिलचस्प राय आकाश चोपड़ा की, कह रहे हैं कि भाई अगर अश्विन खेलेंगे तो दूसरे स्पिनर के दल पे खेलेंगे, पहले स्पिनर के नहीं। एक नज़र पिच पे भी डालेंगे, उनके कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दे दीप, और क्यूरेटर ने भी कहा है कि भाई ये पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कैरी होगा और फिर बाद में स्पिनर्स के लिए भी कैरी होगा, रन भी काफ़ी बनते हैं सिडनी में। तो ओवरऑल लगता है कि एक ऑलराउंड काफ़ी अच्छी पिच लग रही है, लेकिन जिस तरह के तस्वीरें आप देख रहे हो जो आकाश ने कहा, तो क्या आप उस राय से सहमत है कि भाई अगर जडेजा अगर खेले तो अब जडेजा फर्स्ट स्पिनर हो जाते हैं? अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो ज्यादा फर्क नहीं रहा है औसत में अश्विन और जडेजा के बीच में, अगर ओवरसीज टेस्ट के बारे में बात करें तो? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर एक स्पिनर खिलाना है तो वो जडेजा ही होंगे, और ऊपर से अश्विन की बात करें तो इंजर्ड रहे हैं, इंजरी से आके कितना कितना फिट है वो, तो थोड़ा सा वहां पे आप रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी अगर आप एक ही स्पिनर खिलाते हैं और वो भी अश्विन है। और तो जडेजा ने अच्छा खासा खेला है, बॉलिंग अच्छी की है पिछले टेस्ट मैच में, हाल ही में बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, तो मैं वो चांस नहीं लेना चाहूंगा। दूसरी बात और एक चीज जो ध्यान में देना है, एक तो आपने क्यूरेटर की वाली बात कही, तो आप किसी भी क्यूरेटर को पूछ लीजिए, वो यही बोलेंगे कि तेज गेंदबाजों के लिए पहले दिन है, उसके बाद बैट्समैन फिर स्पिनर, वो तो एक टेम्पलेट सा बन गया है। लेकिन सिडनी का एक और चीज जो मुझे लगता है कि हम अमूमन कहते हैं सिडनी स्पिनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर स्ट्राइक रेट एवरेज उठा के देख ले स्पिनर और फास्ट बॉलर का, फास्ट बॉलर का बहुत बेहतर है स्पिनर से, ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उछाल ज्यादा है, तेज गेंदबाजों को दूसरे जगहों पे ज्यादा मदद है, तो सिडनी पहुंचते ही लगता है ये तो स्पिनर को मदद देती है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप देखें तो दूसरे ऑस्ट्रेलियन पिचेस से तुलना करें तो ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आप पहले से ही सोच के चले जाए कि 2 स्पिनर से खेलेंगे।
आप एक बार दोबारा, मैं कहूंगा दर्शकों को एक बार औसत है जो है सिडनी का वो देख ले, स्पिनर और फास्ट बॉलर का, और स्ट्राइक रेट देख ले, फर्क दिख जाएगा। मैं बता ही देता हूँ आपको, आपने बहुत ही, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई 34 की औसत से तेज़ गेंदबाज डालते हैं सिडनी में और 53 के औसत से डालते हैं स्पिन गेंदबाज। तो ये एक हम काफ़ी राय बनती है क्रिकेट फैंस में कि भाई सिडनी में शायद स्पिनर को खिलाना चाहिए। और कुलदीप यादव के बारे में सवाल यही उठेगा कि अगर जगह बनेगी तो सिडनी में ही बननी चाहिए उनके लिए, लेकिन आपने ऑलरेडी कहा है कि भाई अगर अश्विन फिट है तो शायद दो स्पिनर खेले, लेकिन कुलदीप यादव के लिए जगह नहीं रहेगी आपके दल में इस आखिरी टेस्ट मैच के लिए। चलिए कुलदीप यादव के कुछ आंकड़े भी आप देख ही सकते हैं, और लॉर्ड्स में खेले गए थे, काफी गलत सिलेक्शन साबित रहा वो, लेकिन शायद कुलदीप यादव इस सीरीज में एक स्पेक्टेटर ही बने रहे, देखेंगे आगे जाके। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कैसा है? हमने बात की तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज की औसत की, लेकिन काफी तगड़ा रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ, केवल एक टेस्ट हार चुके और वो हम जाना पड़ेगा उसके लिए 1977-78 में बिशन बेदी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इनिंग्स डिफीट की एक टेस्ट दे दी थी, लेकिन 2000 से भी अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान में। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से दीप? उन्होंने अपनी टीम की घोषणा तो नहीं की है, ऊपर से सवाल उठते हैं कि बैटिंग के काफ़ी प्रॉब्लम्स है, एक नए खिलाड़ी मानस लाबुशेन को लाया गया है कि वो मिडिल ऑर्डर में शायद बल्लेबाजी करे और लेग स्पिन डाले, एरन फिंच की पोजीशन पर काफ़ी सवाल उठे, क्या उम्मीद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने 1-0 से एक वापसी तो की थी इस सीरीज में ऑलरेडी? देखिए दबाव में थोड़े बहुत तो होंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये टेस्ट मैच अगर हार जाते हैं तो सीरीज हार जाएंगे, वो एक पहली बार होगा भारत के खिलाफ, तो उस नजरिए से कोई भी खैर कप्तान हो या टीम हो नहीं चाहेगा ये हो। लेकिन जैसे आपने कहा काफी मुश्किलें हैं, याद रखें कि मुझे तो लगता है कि ये जो टीम है ये वल्नरेबल है, एक ट्रांजिशन फेज है तो उसके दौरान गुजर रही है। लेकिन जब मैं बैटिंग ऑर्डर को देखता हूं तो मुझे दो तीन चीजें ध्यान में आता है कि एरन फिंच ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट उठा के देख लें लाल बॉल क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर से ही खेलते हैं विक्टोरिया के लिए, तो उनको पीछे ही रखे 5-6 नंबर पर। और टिम पेन जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे बैटिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि अभी तक बड़े रन उस हिसाब से बनाए नहीं है, लेकिन देख के अच्छे लग रहे हैं कि कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो उनको थोड़ा ऊपर खिला लें। उस्मान ख्वाजा को मिडिल ऑर्डर में, और लाबुशेन की आपने बात की तो लेग स्पिन भी थोड़ी बहुत डालते हैं, तो हो सकता है कि मिच मार्श की जगह वो आ जाए मिडिल ऑर्डर में और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर ले। और थोड़े अगर आंकड़े हम बता दें सिडनी के बारे में, पिछले 5 टेस्ट में थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि टॉस जीतकर क्या करना चाहिए कप्तान को, और पहली पारी में दीप जो एवरेज स्कोर है वो 422 है, तो कितना कितना चाहेंगे विराट कोहली कि ये टॉस एमसीजी की तरह भी ये टॉस जीत के भारत पहले बल्लेबाजी करे इस बहुत ही अहम टेस्ट मैच में? बिल्कुल, और जैसे थोड़ी देर पहले आकाश ने भी कहा कि 21 बार टॉस जीता है विराट ने और अभी तक हारे नहीं है, मेरे ख्याल से 18 बार जीते और 3 बार ड्रॉ हुआ है, तो उस लिहाज से एक। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक की भी बात करें तो वहां पे भी अगर आप देखें जो भारत का चौथे पारी में चेस करके जीतने वाला जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। इस साल तो अभी तक जीता ही नहीं है, हमने 190 कुछ रन चेस नहीं कर पाए, 204-5 कुछ थे साउथ अफ्रीका में वो भी नहीं चेस कर पाए, और काफी हद तक मुझे ये लगता है कि पिछले मैच में फॉलो ऑन भी इसीलिए शायद नहीं दिया कि चौथे पारी में बल्लेबाजी ना करनी पड़े। तो उस लिहाज से आप चाहेंगे और भारतीय दल चाहेगा कि पहले बल्लेबाजी करें टॉस जीतकर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी अगर आप रुख करें तो उनका जो अगर मजबूत पक्ष देखें तो गेंदबाजी है, तो वो भी चाहेंगे कि चौथी पारी में गेंदबाजी ही करें, बल्लेबाजी करने की जरूरत ना पड़े। तो दोनों टीमों के लिहाज से दोनों टीमें चाहेंगी, और जैसा आपने रिकॉर्ड का भी कहा कि पिछले अगर इतिहास भी उठा के देख लें तो पहले बल्लेबाजी करने वालों को ज्यादा एडवांटेज है। आखिरकार दीप, दिल और दिमाग दोनों कहता है कि ये भारतीय टीम इस मैच में कम से कम हारेगी तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे आपने कहा दिल और दिमाग, खैर दिल तो कभी नहीं मानता, लेकिन दिमाग भी अभी कह रहा है कि नहीं, जिस हालात में है अगर सिलेक्शन थोड़ा सा ठीक हो और जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं इस सीरीज में, तो मुझे नहीं लगता कि हारने के चांसेस है और इतिहास रचेंगे यहाँ पे इस टेस्ट मैच में। क्या बात है, चलिए धन्यवाद दीप, उम्मीद यही रहेगी कि भारतीय टीम नया इतिहास रच ले। ये आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।